नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मैट्रिक और इंटर के छात्रों को लेकर जो है बिहार बोर्ड ने एक बड़ा अपडेट साझा किया है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर बिहार बोर्ड के नाम कई कीर्तिमान स्थापित हैं, जैसे कि कोरोना काल के दौरान पूरे देश में सबसे पहले परीक्षा करवाना और उनके परिणाम की घोषणा करना। इसके साथ ही मैट्रिक बोर्ड इंटर की परीक्षा के दौरान कदाचार को लेकर भी पूरे देश में बदनाम रहा, लेकिन पिछले कुछ साल से प्रदेश में कदाचार मुक्त परीक्षा की बात बोर्ड की तरफ से कही जा रही है। परीक्षा के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने साल 2023 में होने वाले वार्षिक परीक्षा को लेकर एक यूनिक आईडी जारी कर दिया है, जिससे अब परीक्षार्थी अपने यूनिक आईडी से परीक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के लगभग 30 लाख छात्र छात्राओं के यह यूनिक नंबर जारी किया गया है। बता दें कि यह जो नंबर होगा वह 13 अंकों का होगा, जो कि छात्र के पंजीयन संख्या के साथ ही बोर्ड जारी करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब छात्र का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, उसी के साथ ही पंजीयन संख्या के साथ ही यूनिक आईडी भी भरा जाएगा, जिसके लिए बोर्ड ने एक अलग से कॉलम भी बना रखा है। आपको बता दें कि छात्र जब मैट्रिक का फॉर्म भरेंगे तो उस समय उन्हें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही यूनिक आईडी नंबर भी भरना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो छात्र यूनिक आईडी नंबर नहीं भरेंगे, उनका परीक्षा फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि गलत माना जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले फॉर्म भरने का जो तरीका था, उसमें परीक्षार्थियों को पंजीयन संख्या भरना होता था और परीक्षा फॉर्म को भरने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाया होता था, और यही रजिस्ट्रेशन नंबर उनके परीक्षा फॉर्म में भी भरा जाता था, जिससे कि इस बात की पुष्टि होती थी कि यह छात्र किस स्कूल का है और कौन से ज़िले का है। अब इसमें फेरबदल किया गया है, यानी कि अब रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपको यूनिक नंबर भी देना होगा, जो कि अब छात्रों की पहचान करवाएगी कि यह छात्र या फिर छात्रा मैट्रिक या फिर इंटर के परीक्षार्थी हैं। इस यूनिक नंबर से ज़िले के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी, जो कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ स्कूल और ज़िले की जानकारी होती थी। यह जो यूनिक नंबर है वो ये नहीं बताएगा कि वो छात्र जो है किस ज़िले का है। इस बार के मैट्रिक फॉर्म में परीक्षार्थियों को ईमेल और मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिससे कि छात्र को सभी जानकारी ईमेल के माध्यम से मिलता रहे, साथ ही साथ उनके मोबाइल पर भी ये अपडेट आता रहेगा। साथ ही साथ बोर्ड ने छात्रों को उनका आधार नंबर भी मांगा है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आधार नंबर नहीं है तो वे फॉर्म भरते समय ये बताएं कि उनके पास आधार नंबर नहीं है। साल 2023 में होने वाले मैट्रिक इंटर की परीक्षा के मार्कशीट पर, जिसे हम अंक पत्र भी कहते हैं, इस पर यूनिक नंबर लिखा होगा। यह इसलिए दिया जा रहा है ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। बिहार बोर्ड कदाचार मुक्त परीक्षा करवाने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। इसके तहत हमने देखा कि बिहार बोर्ड ने परीक्षा शुरू होने से लेकर परिणाम की घोषणा तक में कई बदलाव किए, जिसके कि अब कदाचार करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके, और अब तो रिजल्ट के परिणाम की घोषणा से पहले टॉपरों का इंटरव्यू तक करवाया जाता है, ताकि जब टॉप 10 की लिस्ट बाहर आए तो कम से कम वो छात्र निकल कर सामने आए जो कि प्योर हों, और एक तरह से कह लें कि वो सच में उन्होंने टॉप किया है। इस तरह के कई मामले जो है बिहार बोर्ड के सामने आए थे, और उसके बाद जो है इस तरह की रणनीति लगातार बिहार बोर्ड बनाता रहा है। तो ये थे बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।